अस्सलाम वालेकुम। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरी नई रेसिपी के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय मम्मीज किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं तंदूरी चिकन बिरयानी। तंदूरी चिकन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 700 ग्राम चिकन ले लिया है, आधा कप दही, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/4 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर, स्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिरी का पाउडर, 1/2 टीस्पून विनेगर, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून तेल लेकर मैंने उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, गरम मसाला पाउडर, चाट मसाला पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और तंदूर कलर डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया। मसालों को मिक्स करने के बाद उसमें मैंने 1/2 कप दही डालकर उसे भी अच्छे से मिक्स कर लिया। नमक और विनेगर को अच्छे से मिलाने के बाद सारी सामग्री को आपस में अच्छे से मिला लो और उसके बाद इसके लेप को कटे हुए चिकन पर लगाकर 3-4 घंटे के लिए रख दे। चार घंटे के बाद एक पैन में चिकन के पीसेस को एक एक करके डालिए और ढककर 20 मिनट तक धीमे आंच पर पकाइए। 5 मिनट के बाद उसको पलट कर 5 मिनट के लिए और धीमी आंच पर पका लीजिए। अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने के बाद गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए। अब हम कोयले का धुआं देंगे। दूसरी तरफ हमने कोयला जला दिया है, ये एक जल चुका है।
के जल जाने के बाद हम तंदूरी चिकन के ऊपर एक प्लेट रखकर उसके ऊपर कोयला रख देंगे। पर यहाँ पर मैंने घी डाल दिया है, आप तेल भी डाल दे सकते हैं। जैसे ही धुआं निकले वैसे उसे ढककर कुछ देर के लिए वैसे ही रख दीजिए। तंदूरी चिकन तो हमने तैयार कर लिया। अब मसाला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 500 ग्राम चावल ले लिए, 2 प्याज, 3 टमाटर, आधा कप दही, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक स्वादानुसार, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून जीरा, और खड़े मसालों में 1 तमालपत्र, दालचीनी, लवंग, काली मिरी, इलायची, पुदीना, धनिया और 4 हरी मिर्च। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम चावल लेकर उसे 1 घंटे के लिए भिगो दिया। एक पैन में 1/2 कप तेल लेकर उसमें अक्का खड़ा मसाला डालकर अच्छे से उसे 1 मिनट के लिए भून लिया। को अच्छे से भून जाने के बाद उसमें मैंने कटी हुई प्याज डालकर उसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया। प्याज को अच्छे से भून लेने के बाद उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर उसे भी अच्छे से मैंने भून लिया। अब उसमें कटा हुआ टमाटर डालकर उसे अच्छे से मिक्स कर लिया। टमाटर के अच्छे से गल जाने के बाद उसमें लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला डालकर अच्छे से उसको मिक्स कर लीजिए। उसके बाद उसमें 1/2 कप दही डालकर टमाटर गलने तक पका लीजिए। सारे मसाले अच्छे से भुन जाने के बाद उसके ऊपर से धनिया और नमक डालकर उसे ढककर 5 मिनट तक पका लीजिए। अब उसमें 1 टीस्पून हरी मिर्च के पेस्ट डालकर अच्छे से मिक्स करके 1-2 मिनट के लिए पका दीजिए। मसाला तैयार होने के बाद उसमें अपना तंदूरी चिकन मिक्स करके ढककर 5 मिनट के लिए पका लीजिए। चावल को पकाने के लिए एक बर्तन में पानी रख दीजिए, उसमें नमक ऐड कर दीजिए और पानी को उबाल आने के बाद उसमें हमने 1 घंटे भिगोए हुए चावल मिक्स करके उसे 75% पका लेंगे। चावल को 75% पकाने के बाद उसे एक छलनी की सहायता से छान लीजिए। अब दूसरे पैन में हम पहले चावल का एक लेयर लगा देंगे। चावल के ऊपर धनिया और पुदीना के पत्ते और हरी मिर्च डालकर
उसमें अपनी तंदूरी चिकन की ग्रेवी डाल दी। चावल के ऊपर तंदूरी चिकन की ग्रेवी डालने के ऊपर धनिया और पुदीना के पत्ते और हरी मिर्ची को ऊपर से डाल दिया। अब चिकन के ऊपर दूसरा चावल का लेयर हमने डाल दिया। चावल के ऊपर हमने धनिया पुदीना के पत्ते, भुनी हुई प्याज और कलर डालकर उसे हमने तवे पे धीमी आंच पर 20 मिनट के लिए ढककर पका लिया। बीस मिनट के बाद अपनी तंदूरी चिकन बिरयानी तैयार हो गई। अब इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए अपने मनपसंद सलाद के साथ।